من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفرت أحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم रबरी वली अमरी वाहमिस वजी आमीन या नाजिक्राम अलक्म वरि वक् प्रोग्राम बसीरतलकुरान तो में खुश आमदीद्ला आज प्रोग्राम नंबर तीन सौ चौंसठ थ्री सिक्सटी फोर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इन शह आज मुताल करेंगे सूर्यहूत की आयात छत्तीस ता चालीस का इन्हीं आयात की तिलावत के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह लाई सलमान साहब ने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़रमा तो दिया है और रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है हमारे नौजवान साथी स्टूडियोज में कुरान अकेडमी कराची में कुरान की और दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में भी बाकायदा शरीक हो रहे हैं आयुन खुश आमदीद कहते हैं असल वरह वाल खैर सिमट आप लोग माशा जी नाजिक राम सबसे पहले हम सबकी तरगीब और तशरी और याद दहानी के लिए नबी करीम सला वम का एक मुबारक फरमान पेश खिदमत है आइए कर्न सीखे फरमान नबी सर करीम के एक हर्फ की तिलावत पर दस निकियाँ अता होती हैं जाम ती रिवायत है और बग़ैर समझे भी तिलावत करेंगे तो स्वाब मिलेगा मिलेगा क्योंकि इसी रवायत में जिक्र है कि अलिफ एक हर्फ है लाम एक हर्फ है और मीन एक हर्फ है कितनी निकियाँ हो गई तीस ने किया हो लेकिन ये हरूफ मुकदात हैं जिनकी असल मानी हमारे नहीं है तो अगर मानी मालूम ना हो तब भी तिलावत करेंगे तो अजर मिलेगा इन के समझने का भी अहतमाम करना चाहिए जो कि हमारे इस प्रोग्राम का एक अहम मकसद भी है अल्लाह ताली से दुआ है नासिक राम कि अल्लाह तम सबको कुरानी हकीम की बाकायदा तिलावत करने की तोफीक अता फरमाए बात को आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम की तरतीब के मुताबिक चलते हैं तर्जुमे की तरफ सूर्द आयात छत्तीस का तर्जुमा पेश खिदमत है इर्शाद हुआ और वही की गई नू आ सलाम की तरफ कि हरगज कोई ईमान नहीं लाएगा आपकी कौम में से सिवाय उसके जो अब तक ईमान ला चुका तो आप ना गमगीन हो उस पर जो वो कर रहे हैं और बनाइए कश्ती हमारी निगरानी में और हमारी रही के मुताबिक और बात ना कीजिए मुझसे उनके बारे में जिन्होंने जुल्म किया बेशक वो गरक किए जाने वाले हैं और वो बनाते रहे कश्ती और जब कभी गुजरते उनके पास सरदार उनकी कौम में से तो मजाक करते उनसे फरमाया नूर सलाम ने अगर तुम मजाक करते हो हमसे तो बेशक हम भी मजाक करेंगे तुमसे जैसे तुम मजाक कर रहे हो तो जल्द ही तुम लोग जान लोगे कि कौन है जिस पर आता है ऐसा आजाब जो रसुआ कर देगा उसे और उतरेगा उस पर दायमी आजाब यहां तक कि जब आ गया हमारा हुक्म और उबल पड़ा तन्नूर, तो हमने कहा ए नू सवार कर लो कश्ती में हर जिन्स से दोनों जोड़े नर और मादा और अपने घर वालों को भी सिवाय उसके के तय हो गई जिसके बारे में बात और उसको भी सवार कर लो जो ईमान लाया और उनके साथ थोड़े ही लोग ईमान लाए नाजिक राम ये तर्जुमा सुरहूद की आयात छत्तीस था चालीस का इसके बाद चलते हैं रबते आयात की तरफ यानी गुज्तर आयात और आज की जेर मुत का बाहमी तालुग। तालुग क्या कहलाता है गुज्त आयत है, है। में हजरत नू आलाम की हकीमाना नसीहत का बयान था कौम की हर धर्मी के बावजूद नूसलम उनको वास करते रहे नसीहत करते रहे और उनकी हिदायत के लिए कोशिश करते रहे अगला नुकता है रब आयात के हवाले से अब उन्हें कौम पर वाक होने वाले आजाब से मुतला किया जा रहा है मुराद है कि अब बस अब वह हद आ गई कि इस कौम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अदाब का फैसला किया जा रहा है उसकी इतला दी जा रही है नू अ सलाम को नाजिक्राम रबत आयात के बाद चलते हैं तारुफ की तरफ यानी जिन बातों को हम तफस से बाद में तशरी में समझते हैं उनका मुख्तसर खाका पहले पेश किया जाता है तारुफ के हवाले से आज भी तीन बातें सबसे पहली बात हज़रत नाम को हक में सिफारिश न करने की हिदायत और जालिम वो है जो ईमान नहीं लाए बल्कि हर धर्मी पर अड़े रहे अगला नुकता तारुफ के हवाले से है आहले हक का मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक का निशाना बनते हैं ये जिक्र तर्जुमे में भी आया आगे तश्ती में भी वजाहत होगी इन शह और तारुफ के हवाले से आखिरी नुकतः है हजरत को कश्ती में आहले ईमान और तमाम जानदारों के जोड़े सवार करने का हुक्म इसकी भी तफसल आगे बयान करेंगे इनश्ला नाजिक राम तारुफ़ के बाद चलते हैं तजिए और तजिए का तजिया कौन करेगा आपने से जी आयत में जो भी डिस्कस होगा उसका एक सा बिल्कुल, हर, हर आयत का जो मौजूद है उसको हम डिस्कस करते हैं तजिये बिल्कुल ठीक सुरहुद आयात छत्तीस या चालीस का तजिया सबसे पहले सुरहुद आयत नंबर छत्तीस हजरत को तसली मुराद है कि अगर ना फरमान हर धर्मी पर अड़े रहें तो आप उनकी परवाह ना कीजिए अगली आयत सूरह सूर्य आयत नंबर सैंतीस हजरत को कश्ती तैयार करने का हुक्म फिर आयत नंबर अड़तीस कश्ती बनाने पर कौम की तरफ से मजाक उड़ाया गया अभी खुशकी खुशकी है तो वो कह रहे हैं कि भाई कश्ती किसके लिए बना रहे हैं आप खुशकी में चलाएंगे क्या अल्लाह उन्होंने मजाक उड़ाया अगली आयत है आयत नंबर उनतालीस थर्टी नाइन ना फरमानों पर रुस्वा कुन आदाब नाजिल होगा और आखिरी आयात हम समझेंगे सूर्य हूद की इंशाल्लाह इसका शु है कि कश्ती में हर जानदार का जोड़ा सवार करने का हुक्म अता हुआ अल्लाह की तरफ से नाजिक राम अलहमदिल्ला जेर मुताल आयात का तर्जुमा रब्त आयात तारुफ और तजी का बयान मुकम्मल हुआ अब बहरल साढ़े तीन सौ ज्यादा एपिसोड हो गई हैं और एक सवाल आ सकता है कि क्या यही हैडिंग्स चलती रहेंगी तो कुरान की आयात तो रोजाना हम नहीं पढ़ रहे हैं और ये हमारा जो फॉर्मेट है वो तो कुरान की तकमील तक जो कि अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन होगा यही रहेगा इन शाजिक राम बहरहाल आज की नशि में जो तर्जुमा है रबत आयात है तारुफ और तज़ी है उसका बयान हुआ मुकम्मल अब वक्त है इन आयात की तशरीह का सबसे पहले चलते हैं सूर्हूद आयत नंबर छत्तीस की तरफ अल्लाह तला फरमारे कुरान हुआ वो आमन फला तबत बीमा का अनुफ आलून तरजुमा पेश खिदमत साइड का इर्शाद हुआ और वही की गई नू आम की तरफ कि हरगिश कोई ईमान नहीं लाएगा आपकी कौम में से सिवाए उसके जो अब तक ईमान ला चुका तो आप न ग्गीन हो उस पर जो वो कर रहे हैं तर्जुमा हुआ सुरहुद आयत नंबर छत्तीस का तशरी की तरफ चलते सबसे पहला रुकता हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद लिखा है कौम की तकजीब और ईदा रसानी पर हजरत नू आलाम को तसली एक तरफ वो मजाक भी उड़ा रहे हैं मुखालफत भी कर रहे हैं हर धर्मी का मुजाहरा भी कर रहे हैं इस सब पर बहरहाल तसली दी जा रही है वो तसली क्या है आगे आया कौम में से मज़ीद किसी फर्द के ईमान न लाने के बारे में बदरी वही मुतला कर दिया गया कि अब तक जो ईमान ला चुके सो ला चुके अब कोई ईमान नहीं लाया इसका एक और मतलब क्या है कि अब इस कौम की मोहलत का मामला ख़त्म किया जा रहा है और आखिरी नुक़ शायद की तशरी में है कौम के ईमान कबूल न करने पर हजरत नाम को गमगीन और परेशान न होने की तलकीन अच्छा पैगम्बर परेशान भी होते हैं क्यों लोगों की हालत को देख कर लोगों की गुमराही को देख कर लोगों की नाफरमानियों को देख कर मगर क्या कहें अगर लोग खुद ही हट ढरबी का मुजाहरा करें तो अब अल्लाह तैगम्बर को फरमाए कि आप तसली रखिए अब कोई ईमान नहीं लाता तो उसका चॉइस है बिल आखिर अल्लाह का आदाब ऐसे नाफरमानों पर आता है इसके बाद नाजिक अगली आयतः सुरहुत की आयतम सैंतीस अल्लाह तक फरमान कुरानी हकीम में

हज़रत नाम को अल्लाह ताली की निगरानी और रहनुमाई में कश्ती तैयार करने का हुक्म ये अहम तरीन बात है आगे कौम तो बदाक उड़ाएगी कि खुशकी में जो है वो कश्ती किस लिए बना रहे हैं मगर अल्लाह इल्म इल्मे कामिल है और अल्लाह उसकी बुनियाद पर अपने पैगम्बर को रहनुमाई अता फरमाते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी निगरानी और रहनमाई और वही के मुताबिक एनू आप क्या तैयार कीजिए कश्ती तैयार कीजिए अगला नुकता है दावत हक़ को झुटलाने वाले ालफर शिरक में मुबतला हैं और इनकी यह हरकत अब इनको मुस्तहिक बना चुकी है किस चीज का अल्लाह के आज़ाब का अगला नुक़ा साइड की तशरी और आखिर नुकता में है लिहाजा अपनी शफकत की बिना पर हजरत सलाम को उनकी निजात की दरखास्त करने की मुमानियत। शफकत क्यों पैगम्बर शफीक वाल की भी हैसियत रखते हैं रूहानी वालद की हैसियत रखते हैं अपनी कौम के लिए और जैसे एक बाप को अपने नाफरमान बेटे पर गुस्सा तो आता है लेकिन परेशानी भी होती है कि क्यों नाफरमानी पर अड़ा हुआ है क्यों ये गलत काम कर रहा है बहरअल पैगंबर भी शफीक होते हैं मगर अल्लाह ताला तब रोक रहे हैं कि जिसके बारे में आदाब का फैसला होता है ालिम के बारे में उसके बारे में निजात के लिए अल्तजा ना कीजिएगा बाकी रहा कश्ती का मामला तो यह कश्ती तैयार हुई थी अल्लाह के से, कुरान मुकाम पर इस कश्ती को अल्लाह की निशानियों में से भी करार देता है और यह बात भी मरूफ है कि बाकायदा कश्ती का तैयार किया जाना यह सलाम के दौर से ही शुरू हुआ है अगली आयत है नाजिक सूरह सुरहूत की आयत नंबर अड़तीस अल्लाह हकीम में वोखर हुद आयत नंबर अड़तीस है आयुष इसका तर्जुमा करते करतेशाद हुआ और वो बनाते रहे कश्ती और जब कभी गुजरते उनके पास से सरदार उनकी कौम में से तो मजाक करते उनसे फरमाया सलाम ने अगर तुम मजाक करते हो हमसे तो बेशक हम भी मजाक करेंगे तुमसे जैसे तुम मजाक कर रहे हो नाजिक राम ये तर्जुमा हुआ सूरह हूद की आयत नंबर नड़तीस का आइए की तशरीह की तरफ चलते हैं तशरीह के हवाले से पहला नुक्ता स्क्रीन पर मौजूद है कौम की गफलत और अंजाम से बेफिक्री का बयान बुरा कौम तो अपनी ढटाई पर अड़ी हुई है शिरक में मुबतला है और उसको इस बुरे काम बल्कि पूरी जिंदगी जो गुनाहों में डूबी हुई है उसके अंजाम की कोई फिक्र नहीं और बल्कि उससे गाफिल हुए पड़े हैं अगला नुकता शायद की तशरी में है वह हजरत नूसम को कश्ती बनाने में मशगूल देखते तो उसे खुशकी में चलाए जाने का मदाक उड़ाते अब यह है ज़ाहिर परस् और दुनिया परसों का रवैया पैगम्बर जो कुछ बयान करते हैं जो कुछ करते हैं वो अल्लाह की वही के मुताबिक होता है और अल्लाह का इल्म इल्मे कामिल अल्लाह ज़ाहिर को भी जानता है बातिन को भी ज़ाहिर के मामलात को भी जानता है गैब के उमूर को भी जानता है पैगम्बर वो सारा गैब का इल्म जो अल्लाह के पास है उसमें से जो कुछ अता हुआ उसके मुताबिक कश्ती तैयार कर रहे हैं कि कल आएगा अजाब और इस पर खुशगी पर पानी पानी होगा तो फिर कश्ती में जो सवार होगा वही बचाया जाएगा और ये जाहिर परस क्या कह रहे हैं ओ हो जी किसके लिए कश्ती तैयार हो रही जैसे आज के दौर में जब हक वाले आखरत की बात करते हैं कि भाई ये दुनिया का निज़ाम खत्म होगा वो कहते हैं जी गए वक्तों की बातें हैं जाहिर परस दुनिया ही के मामला को देखता है जबकि हकीकत इस जाहिर के पर्दे से आगे बढ़कर है जिसको आप और मैं आखरत की जिंदगी भी कहते हैं तो बहरहाल कौम मदाक उड़ाई की खुशकी में कश्ती किसके लिए तैयार की जा रही है आखिरी नुक्ते शायद की तशरी में है कौम को अंजाम से खबरदार किया गया क्या अन करीब उनका मजाक उड़ाया जाएगा आज ये दुनिया परस्त जाहिर परस्त और अकल के अंधे और हक की मुखालफत करने वाले पैगंबर और उन पर ईमान लाने वालों का मजाक उड़ा रहे अल्लाह ताला ने कहलवाया कि जैसे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे मगर फर्क क्या है इन बातिल परस्तों ने दुनिया परस्तों ने दुनिया की मुख्तसर से जिंदगी में मजाक उड़ा लिया अल्लाह तला कल ईमान वालों को हमेशा की जिंदगी में इन बातिल परस्तों के मजाक उड़ाने की इजाजत देगा ाम कुरानी हकीम में भी जिक्र आता है सूरह मुतफि आखिरी पारी में है वहां आता है आयत नंबर चौंतीस में फल आमनु मिनल कुफ़ारी अल्लाह फरमा रहे आज ईमान वाले काफरों का मदाक उड़ाएंगे अब देखिए घाटे में कौन रहा बातिल परस घाटे में रहे सादा सी बात है कि दुनिया की मुख्तर से जिंदगी में तो बातिल परसों ने ईमान वालों का मदाक उड़ा लिया लेकिन दुनिया में भी बातिल परस्तों पर आदाब आ जाया करता है सबसे बड़ा आदाब कहां पर होगा आखिरत में होगा ये तसल्ली नाजिक राम ईमान वालों को दी गई कि आज ईमान वाले इस सारे कुछ को बर्दाश्त करें मुशक्कतों को बर्दाश्त करें मुखालफतों को बर्दाश्त करें लेकिन बिल आखिर सुबहानो तला कल कयामत के दिन ईमान वालों को बादल परस्तों के मदाक उड़ाने की इजाजत भी देगा बल्कि मौका भी देगा नाजिक कराम अल्हमल्ला तीन आयात का बयान हुआ मुकम्मल इनशा अगली दो आयात का मतलब जरूर आपकी खदमत में पेश करेंगे ताहम आपसे मुलाकात होती है एक वफ्फे के बाद उम्मीद आप हमारे साथ रहेंगे असल वरम्हि वरक

उतरेगा उस पर दाइमी आदाब यह तर्जुमा हुआ सूरहूर के आयतर उनतालीस का और नूर अलैहिस्सलाम का वाक्य तसस् से जारी है तशीर तो की तरफ चलते हैं पहली बात स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद लिखा है रसुआ करने वाले आदाब से मुराद दुनिया का आदाब आदाब मुकीम से मुराद आखरत का दाइमी आदाब है ये दो आदाबों का जिक्र है रसुआ कर देने वाला और दाइमी आदाब तो दुनिया का आदाब मुख्तसर है मगर वह रसुआ कर देने वाला है और इससे बढ़कर आदाब का है ना फरमानों के लिए आखरत में अल्लाह तला दुनिया और आखरत के आदाबों से महफूस रखे अगला और आखिरी उत्तर शायद की तशरी में है आदाब आने पर क़ौम को मालूम हो जाएगा कि दुनिया व आखरत में अल्लाह का कहर वजब किस पर नाजिल होता है यानी जो मालदार होते बातिल परसों में से ना में से वो अकड़ दिखाते हैं कि अगर हम बुरे होते तो हमें दुनिया के अंदर जो है माला इसबाब ना मिलता और वो माली अतबार से कमजोर ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जी हम देख लेंगे तुम्हें इनको बताया जा रहा है कि जब दुनिया में भी आदाब आता है तो पता चल जाता है ना को कि अल्लाह का कहर किसके लिए है और फिर नाफरमानों को मिटा दिया जाता है और इससे बढ़कर अल्लाह का गजब होगा नाफरमानों पर और बातिल परस्तों पर कहा आखिरत में उसकी तरह तवज्जो दिलाई गई नाजिक राम एक बात की यादहानी करा ये वाकयात बराए वाकयात नहीं है ये अल्लाह ताला का कलाम है क्यामत तक के लिए महफूज और कुरान का प्राइमरीली बुनियादी तौर पर तारुफ ये कि ये हिदायत की किताब है इन वाकयात में हर दौर के लोगों के लिए हिदायत का सामान मौजूद है

यहां तक कि जब आ गया हमारा हुक्म और उबल पड़ा तन्नूर तो हमने कहा नू सवार कर लो कश्ती में हर जिन से दोनों जोड़े नर और मादा और अपने घर वालों को भी सिवाय उसके कि तय हो गई जिसके बारे में बात और उसको भी सवार कर लो जो ईमान लाया और उनके साथ थोड़े ही लोग ईमान लाए हैदाब की की है। का बयान और वो कैसा के नीचे से भी पानी और ऊपर से भी पानी आगे जिक्र है तूफान का आगाज तंदूर से चश्मा फूटने से हुआ हम तंदूर पड़ देते हैं है ना तंदूर वैसे लफ्ज अरबी में क्या है तंदूर और एक रिवायत मुफस्रीन ने नकल ये की है कि ये नू असलम ही का वो तन्नूर था जहां रोटी वगैरह पकाने का अहमाम होता और वहीं से चश्मा उबल पड़ा पानी का बास मुफस्री ने इस राय को नकल किया है खैर तो वहां से चश्मा फूटने से आगाद हुआ इस तूफान के हवाले से और पानी का आना शुरू हुआ मामला अगला नुकता है तन्नूर से मुराद सतह जमीन जिससे पानी उबलने लगा और बिलफिल वह तन्नूर भी मुराद लिया गया ये सतह जमीन से पानी का उबलना अगली बात ये भी है कि आसमान से भी पानी बरस पड़ा इसलिए कि बहुत वाजे बात है जो आगे चलकर हमारे सामने आएगी कि थम जाने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान को भी कह दिया और थम जाने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन को भी कह दिया ये आगाज का बयान है वरना पानी ऊपर से भी आया पानी नीचे से भी आया अगली बात इस आय की तशरी है हजरत नाम को तमाम जानदारों के एक, एक जोड़े को कश्ती में सवार करने का हुक्म जाहिर बात है उस वक्त जो जानदार या चरिन परिंद मौजूद थे वही मुराद हैं बाकी तो अल्लाह की मखलूक बेशुमार और सदियां गुजर चुकी इस मामले को तो उस वक्त जो अवेलेबल या मौजूद जानदार थे उनके एक एक जोड़े को ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ती रहे और अगला जिक्र ईमान वालों के हवाले से लिखा है तमाम आहले ईमान को सिवाए उनके जिन्होंने कुफर किया कश्ती में सवार करने की हिदायत मुराद ये कि ईमान वालों को सवार किया जाएगा कुफर करने वाले तो हैं वो आदाब का ही शिकार होंगे तो ईमान लाने वालों को सवार करने का भी हुक्म दिया गया और आखिरी बात इस आयत की तशरी में ईमान लाने वालों की तादाद बहुत ही कम थी कुरान तो कहते हैं बहुत ही कम थी बाइबल के बयान से मिलता है सत्तर या अस्सी अफरा ईमान लाए हैं कितने बरस तक तबलीग किए नूअराम ने नौ सौ नौ सौ पचास बरस और कितने ईमान लाए हैं सत्तर या अस्सी एवरेज निकालेंगे तो तेरह चौदह साल में एक आदमी ईमान लाए ये बात पहले भी हम कर चुके हैं नाज़िर राम गौर कीजिए इतने कदर पैगम्बर भारत ये सूरत रही अल्लाह की मशीयत अल्लाह का फैसला भी और बंदों की चॉइस भी पैगंबर ने अपना काम कर डाला वो अल्लाह के कामयाब लोग ना माने तो फिर वो आदाब का शिकार होते हैं जैसे ये नाफरमान कौम आदाब में मुबला की गई अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़ेरे मुताल आयात का बयान हुआ किसी दर्जे में मुकम्मल अब वक्त है किस बात का सवालत का तो चलते हैं आपकी तरफ और बेटा आपका सवाल होश मोहम्मद हैदराबाद से आपका ताल्लुक सबसे पहले सवाल क्या करेंगे आप बेटा मेरा सवाल यह है कि सलाम के नौ के की तब्लीग के बाद नौ साढ़े नौ सौ साल की तब्लीग के बाद कुछ ही लोग ईमान लाए जबकि बहुत ही जलील कदम पैगंबर थे वो इसकी क्या वजह थी और इससे हमें क्या सबक मिलता है माशा दो बातें हैं कि चंद ही लोग ईमान लाए इसकी क्या वजह थी और दूसरी बात है कि इसमें हमारे लिए सबक क्या है जो पहला सवाल है कि चंद ही लोग ईमान लाए कुरान बता रहे जैसा कि अभी बात मुकम्मल हुई और आपने माशा उसी पर सवाल कर लिया फौरन ठीक है तो जो चंद ही लोग ईमान लाए बाकी लोग ईमान नहीं लाए ये लोगों का चॉइस भी देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इम्मा तरह इमूरा सूर्य उनतीस पारी में अल्लाह फरमाते हिदायत का रास्ता तो हमने वादे कर दिए पैगंबर तो बात पहुंचा रहे हैं लेकिन अब लोगों का चॉइस है चाहे शुक्र गुजार बने चाहे वो ना शुक्र बने और हिदायत किसे मिलती है जिसमें हिदायत की तलब और तड़प हो और जो खुद हठधर्मी और और तब का शिकार हो जाए उसको जबरदस्ती हिदायत नहीं दी जाती तो ये तो लोगों का चाह तो ना किया जबरदस्ती अल्लाह किसी को हिदायत नहीं देते अच्छा हरफ नहीं आता पैगंबर का जर अल्लाह तहफूज हाँ, है इस पर हरफ आ रहा है लोगों पर जो जान बूझ कर हक को कबूल नहीं करते दूसरा सवाल आपका और ज्यादा वो ये है इसमें हमारे लिए रहनुमाई किया है हम अपने हिस्से का काम कर ले नौ साढ़े नौ सौ बरस से तब्लीग करते रहे लोग ईमान ना भी लाए तब भी वो आखिर वक्त तक तब्लीख करते रहे फिर वक्त आया कि अल्लाह ने कहा कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा तो फिर अल्लाह का आज़ाब आ गया मालूम हुआ कि लोगों ने रसूलों की बात नहीं मानी तो आपकी मेरी क्या हैसियत है तो हम दावत का काम करें तब्लीग का काम करें तालीम का काम करें पहुंचाने का काम करें नतज से बेपरवाह होकर हम अपने हिस्से का काम करें हम इसके जिम्मेदार हैं नतज के जिम्मेदार हम कतान नहीं हैं जी फारूक आपका सवाल जी मेरा सवाल यह है कि हजरत नू अलैहिस्सलाम को जो है वो ज़मीन पर मतलब पूरे ग्लोब पर पैगंबर बनाकर भेजा गया था या किसी एक ख़ास इलाके और एक कौम की तरफ जो है उन्हें भेजा गया अच्छा माशाल्लाह ग्लोब हाँ बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्या है नू अलैहिस्सलाम को पूरे ग्लोब के लिए या पूरी दुनिया के लिए बनाकर भेजा गया ये खास कौम या खे के लिए नहीं खास खत्े और कौम के लिए इराक का इलाका तो उनको बयान बयान किया जाता है और दूसरी बात यह है कि जब हम पैगम्बर नूसम के वाक़ कुरान में पढ़ते हैं तो अल्लाह ताल फरमाते ही हमने अल्लाह तरमा दूसलम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो एक मखसूस कौम और इलाके के लिए भेजा गया पूरे ग्लोब के लिए रसूल किसे बनाया गया रसूल सल्लाम को क्लियरिटी इसीलिए एक और अहम बात जब नूअसल्लाम या दीगर पैगम्बर खिताब करते कहते हैं या कौमी ए मेरी कौम लेकिन जब अल्लाह के नबी खिताब करते सल फरमाते हैं कि या यू ए इंसान हो अल बकर आयत नंबर इक्कीस भी है अल आराफ आयत एक सौ अट्ठावन भी है अल्लाह के नबी फरमाते या यूर ना एलोग बाकी पैगम्बर क्या फरमाते या कौमी ए मेरी कौम तो बक़िया पैगम्बर मखसूस कौम और इलाके और वक्त के लिए थे लेकिन अल्लाह के नबीम पूरे ग्लोब के लिए तमाम इंसानों के लिए बल्कि जन्नात के लिए भी और क्यामत तक के लिए आप ही अल्लाह के रसूल हैं सल्हुस वसम जी बेटा आयाज आपका सवाल जी मेरा सवाल ये होगा कि जेर मुत आयत नंबर एक में आज के हवाले से यहाँ पर अल्लाह तला ने फरमाया नाम से फ़ला तब त आप परेशान मत हुई तो ये एक गम और दर्द के वक्त में अगर किसी को हौसला दिया जाए और किसी की हौसला अफजाई किया जाए तो उसकी हिम्मत अफजाई होती है चूँकि जो कि नफ, नफसियात से ताल्लुक रखता है और दूसरी आयत में वसन का जो कि इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है और बदकिस्मती से आज के दौर में गैर मुस्लिम जो है वो दोनों फ़नून में मुसलमानों से आगे तो क्या इसकी क्या वजूहत है कि इस्लाम ये इजाज़त बाद में नहीं देता है या क्या मसला है इसमें बुनियादी बात है कि हमने कुरान हकीम को छोड़ रखा है असल बुनियादी बात अच्छा इसका ये कोई गलत मतलब ना लेने ले कि गैर मुस्लिमों ने थाम रखा है नहीं 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 दुनिया में ूम व फ़ुनून के अंदर अल्लाह का, का कानून है कि जो मेहनत करेगा मिल जाएगा उसको आख़रत की कामयाबी हर एक को नहीं मिलेगी आखरत की कामयाबी के लिए ईमान और नेकमल शर्त है लेकिन दुनिया के ऊलूम अब सवाल ये कि क्या कुरान हमें इसकी भी तरगीब दिलाता है हम कहेंगे बिल्कुल दिलाता है कुरान कहते कायनात में गौर व फिक्र करो कुरान कहते ज़मीन तुम्हारे लिए सजाई कुरान कहते कायनात तुम्हारे लिए सजाई कुरान कहते हैं कि अल्लाह ताला की नियमतें किसने तुम पर रोक दी तुम उसको कमाओ इख्तियार करो कोई हरज की बात नहीं रही दो बातें जो आपने फरमाई नफसियात का मामला तो कुरान का तो मौजू ही इंसान है नफसियात में इंसान को पढ़ा जाता है इंसान को स्टडी किया जाता है तो कुरान का तो मौजू ही इंसान है तो हमें गैर मुस्लिमों के बजाय कुरान की तरफ़ देखना चाहिए कुरान से हसूल करके इल्म का इस्तेफादा करके और कुरान के साथ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इल्मे नफसियात की सबसे बड़ी तालीम या अहम तरीन तालीम तो हमें कुरान और हदीस से मिलेगी रहा इंजीनियरिंग का मामला ये दुनिया के किसी भी शोबे और शोबे और फन का मामला फ़नूम का मामला तो बुनियादी तौर पर आदम को तमाम ूम सिखा दिए गए थे तो इन उलूम को भी हासिल करना मुसलमानों का फर्ज बनता है इमाम गजाली ने लिखा बड़ी अजीब का फन है ना इसको सीखना भी फर्ज मतलब? फर्ज किफाया कौन सा फर्ज होता है वो कहते हैं इस मामले में भी हमें गैरों का मोहताज नहीं होना चाहिए अब अगर हजाम के फन के अंदर बात की जा रही है तो बड़े बड़े मामला चाहे वो तिब का मेडिसिन का शोबा हो इंजीनियरिंग का शोबा हो और वो एवियेशन का शोबा हो ट्रांसपोर्टेशन का शोबा हो कोई भी शोभा जिंदगी हो उसके बारे में तो हमें और आगे बढ़कर जो भी फनून है उनका उसूल करना है लेकिन आखिरी बात एक बिसम रबिक पढ़ना जरूर है शोबे में जरूर एक्सल करना है एक्सप्लोर करना है दरियाफ करने है और वसाइल की दरियाफ करनी मगर इन सबको ताबे करना है कि इसके एकरा बिसम रबिक अपने रब के नाम के साथ पढ़ो तो इनूम फनून में एक्सेल करना कोई मसला नहीं लेकिन इन सबके ऊपर बाल तर इल रहेगा Allah की किताब और अल्लाह के नबीम की, की सुनत का तो कोई हरज नहीं हम दुनिया का हर जो मुफीद है वह कर सकते हैं नाजिक राम अलहमद सवाल उनके जवाब आपकी खदमत में पेश किए गए प्रोग्राम के आखिरी लम्हा आखिरी मुख्तर सेगमेंट इस जबन में सबसे पहले कुरानी मालूम का एक नुकता पेश करेंगे आपके सामने आज का नुकता आइए स्क्रीन पर देखते हैं लिखा है गहरे दोस्त क्यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाए के कैसी कैसी दोस्तियां होती हैं जीने मरने की सात कस्में खाते हैं लेकिन कल दुश्मन हो जाएंगे एक दूसरे के सिवाय मुत्तकीन के सुर जुखरुफ आयत आयतर सड़सठ सिक्स योम बाबा मुत्तकीन गहरे दोस्त एक दूसरे के, के दुश्मन बन जाएंगे क्यामत के, के सिवाय मुत्तकीन के तो अल्लाह में तोफीन हम अपनी दोस्ती में रिश्तेदारियों में ताल्लुकात में तकवा के रिश्ते को शामिल करें ताकि कल की रुसवाई से बच सकें उसका एक रिका बिल्कुल, बिल्कुल सही हा मताल में तीन बातें सबसे पहली बात हजर नाम को अल्लाह की निगरानी और रहनुमा में कश्ती बनाने का हुक्म तफसी आ गई अगला नुकता है अहल हक का मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक का निशाना बनेंगे और आखिरत में अल्लाह ताला ईमान वालों को वहां भी मौका देगा कि वो काफिरों का बातिल परस्तों का मजाक उड़ाएंगे और आखिरी नुकता हाजिर मतलब में है कश्ती में आहले ईमान और जानदारों के एक एक जोड़े को सवार करने की हिदायत नाजिक राम हाजिल मताल के बाद चलते हैं जायजे की तरफ इन सेल्फ असमेंट जिन बातों को जिन आयात को हमने समझा उनके तनाज में हम का खड़े हैं तीन सवाल आज भी हैं जायजे के हवाले से सबसे पहला सवाल क्या हम बामल मुसलमानों और दीन के खादमों का मजाक तो नहीं उड़ाते गलती हर कोई करता है लेकिन दाढ़ी वाला करे तो ज्यादा निशाना बनता है वो ऐसा ही है ना दाढ़ी वाले ने यह कर दिया दाढ़ी वाले ने वो कर दिया तो क्या ठोकर किसी गैर दाढ़ी वाले की नहीं लग जाती गाड़ी की टक्कर कोई गैर दाढ़ी वाला भी नहीं लगा देता चोरी और इस तरह के काम को गैर दाढ़ी वाले भी तो नहीं कर लेते तो हमने क्या मजाक बना रखा है दीन वालों का कि सारा एल्जाम उन्हीं पर थोपा जाएगा ऐसे भी बदबक और बदनसीब और जालिम लोग हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में पता है आपको पानी की किल्लत क्यों है सैलाब के अलावा बात कर रहा हूँ वो कहते मौलवी पांच वक्त नमाज पढ़ते ना और वो पानी इस्तेमाल करते हैं वो जूमे इसलिए पाकिस्तान में पानी की किल्लत है इन्ना लाही व इन्ना लहोराज ऊन और ये बड़े बड़े फवारों के अंदर और अपने घरों की आरइश आज... आ... के अंदर और डेकोरेशन के नाम पर और अपने बाघों के नाम पर जो इतना पानी बहाया जाता है वो किसी को नजर नहीं आता नमाज के लिए कोई जा रहा है जी पानी जया कर रहा है इन्ना लाही व इन्ना लहो राज क्या हम बामल मुसलमानों और दीन के खादमों का मजाक तो नहीं उड़ाते अगला सवाल जायजे के तौर पर क्या हम गुनाहों के अंजाम का खौफ रखते हैं गुनाहों के अंजाम का खौफ माल हराम से पला हुआ जिसम कहा जाएगा जहन्नम में जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ में ये तो एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी गौर कीजिए क्या हम गुनाहों के अंजाम का खौफ रखते हैं सिग्नल अगर हमने तोड़ा है तो अब तो खौफ रहता है कि हमारा जो है वो चालान कटेगा तो एक पुलिस वाले के खौफ से हम सिग्नल नहीं तोड़ते ऐसा ही है ना और अल्लाह का कोई खौफ दिल में नहीं डॉक्टर के कहने पर हलाल चीज़ों को छोड़ देते हैं भाई आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला है आपका शुगर का मसला है और अल्लाह के कहने पर हराम चीज़ें भी नहीं छोड़ते असफरल्ला क्या हम गुनाहों के अंजाम का खौफ रखते हैं आखिरी सवाल जायजे के तौर पर क्या हम नाफरमान कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करते हैं क्या हम नाफरमान कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करते हैं ये हमारी तरह के इंसान थे जिन्होंने पैगंबरों की बात नहीं मानी तो दुनिया में भी इन पर आदाब आया और आखिरत में भी इनके लिए आदाब होगा और ये वाकयात कुरान किस्सों के तौर पर नहीं बल्कि हमारी हिदायत के लिए बयान करता है नाजिक राम आखिरी दो बातें प्रोग्राम के हवाले से गुजशत सवाल का जवाब पेश खिदमत है सवाल हमने आपके सामने रखा था पिछड़ा स्क्रीन पर मौजूद है तर्जुमा तुम जहां कहीं भी हो गे मौत तुम्हें आ लेगी चाहे तुम मजबूत किए हुए किलो ही में क्यों ना हो यह बात की शायद में बयान की गई है निसा की पचास आयात के बाद आपको तलाश करने को कहा गया था दुरुस्त जवाब है आयत नंबर हैदा तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें तो आ लेगी चाहे तुम मजबूत किए हुए किलों में ही क्यों ना हो मौत बहरल आ जाएगी और जब आनी है तो आनी है को रोक नहीं सकता अल्लाह हमें यकीन और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी की अता फरमाए। आज का सवाल नोट कीजिएगा आज का सवाल बड़ा हिला देने वाला एक मकाम कुरान का और आ गई मौत की सख्ती हक के साथ यह है जिससे तू फरार इख्तियार करता था और आ गई मौत की सख्ती हक के साथ यह है जिससे तू फरार करता था यह बात किस आयत में बयान की गई है छब्बीसवें पारे में निस के बाद तलाश कीजिएगा छब्बीसवें पारे में पारा नंबर छब्बीस निसफ के बाद तलाश कीजिएगा एक सूरत के दरमियान में आपको यह आयत मिल जाएगी और ये जवाब पेश करेंगे अगले प्रोग्राम में आपके सामने इन शी तब तक के लिए नाजिक राम आपसे चाहेंगे इजाज़त आ तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया आप सबको जय ख़ैर अता फ़रमाए नाज़िक राम हम सबको हमारे खादि साहब को हमारी पूरी टीम को और तमाम ताउन करने वालों को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में याद रखिए कि अल्लाह तमें मौत के वक्त सख्ती से बचाए और राहत वाली और आसानी वाली मौत अता फरमाए امين يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته